वहीं देश में कई दिनों से झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। बता दें, तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने दिल्ली के NCR में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अभी लू और गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। बता दें, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान और चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लू से लेकर गंभीर लू और हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। तो वहीं हिमाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में 25 मई तक भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। हीट वेव तो आपको ज्ञात ही है कि अब इस समय टेम्परेचर उत्तर भारत में 45 डिग्री के ऊपर चल रहे हैं बहुत जगह, और हीट वेव है तो इसके बारे में हम सजग थे। पिछले दो महीने पहले भी हमने सब राज्यों से संपर्क किया था, सबसे मीटिंग करी थी, बाद में कैबिनेट सेक्रेटरी के स्तर पे और विभिन्न स्तरों पे बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी हमने चर्चा करी और सबको अवगत कराया कि इसमें क्या क्या तैयारियां करनी है। सारे इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जा चुके हैं, जैसे हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हैं, सब जगह ओरल जो लेते हैं वो ORH वगैरह सब उपलब्ध रखें, हर जगह उपलब्ध हैं। कुछ बेड्स अगर हीट स्ट्रोक किसी को होता है तो उसके लिए उपलब्ध रखें, वो भी सब है। और बाकी हमारे यहाँ जो NCDC है वो ऑलमोस्ट डेली उसकी जो है हम रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोग भी जो है सब राज्यों से संपर्क में हैं,